भरतपुर सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री देवस्थान विभाग विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की, जिसमें नगर कस्बे की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। नगर कस्बे में पानी की समस्या, गौरवपथ की समस्या, चिकित्सा व्यवस्था, पेंशन संबंधित, खाद्य सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जल्द ही समस्याओं के निस्तारण की बात कही और राज्य सरकार से नगर क्षेत्र के लिए पूर्ण सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं जिला कलेक्टर आरोशी मलिक से मुलाकात कर नगर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को अवगत कराया, जिसमें जिला कलेक्टर ने तुरंत संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए जल्द समस्याओं का निराकरण करने को कहा। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल गुर्जर, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि प्रकाश अम्बेश, नगर पालिका पार्षद कैलाश मिश्रा, बाल मुकुंद पलवार, नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभु दयाल बंसल, एडवोकेट सुनील दत्त शर्मा सहित आदि मौजूद थे। हम कल भरतपुर जाकर देवस्थान मंत्री और पर्यटन मंत्री आदरणीय महाराज साहब से मिले और नगर क्षेत्र के बारे में जो विकास काम अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे गौरवपथ है और तमाम जो कस्बे की समस्याएं, खाद्य सुरक्षा की समस्या और भी जैसे गंदे पानी की निकासी, तमाम ऐसे काम हैं जो क्षेत्र में बहुत लंबे पड़े हैं पहले से ही, और जो गौरवपथ है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, उसमें भी जगह जगह कमजोरी हैं, तलाड़ हो गई हैं, घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। तमाम बातों को लेकर हमने विस्तृत चर्चा मंत्री साहब से की, महाराज साहब से की, और उसके बाद हम कलेक्टर साहब से भी मिले, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि अच्छे काम होंगे। अस्पताल के बारे में भी चर्चा हुई, अस्पताल में अनियमितताएँ और जो रोगी आते हैं, जनता आती है, उनसे भी अच्छा व्यवहार डॉक्टर नहीं करती, तमाम बातों को लेकर हमने पूरी चर्चा की और उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में ही अच्छे परिणाम आने लगेंगे और जनता को अच्छे रिजल्ट आएंगे, जनता के काम होंगे। तमाम बातों को लेकर उन पर चर्चा हुई और आश्वासन दिया उन्होंने।